हे दे पोकेमोन ट्रेनर्स, दिस इज और अगले चार आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं पोकेमोन यूनाइट्स की एक और नई अपडेट वीडियो में। और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नई अपडेट्स जो कि पोकेमोन यूनाइट की जस्ट अभी अभी लॉन्च हुई है, और इसमें काफ़ी सारी न्यू अपडेट्स है। सबसे पहले तो सीजन चेंजेस के रिलेटेड अपडेट है, प्लस सेलुलेट से रिलेटेड भी अपडेट्स आई हैं, और उसी के साथ नेक्स्ट रैंक सीजन में ड्राफ्ट मोड में कुछ चेंजेस किए गए हैं, और प्लस EX लाइसेंस वापस से आ रहा है हमारे रैंक मैच में, मास्टर रैंक्स में। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस अपडेट में बताया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं सब अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, एंड तक बने रहिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकैती के। तो सबसे पहले इस अपडेट में हम लोग को यहाँ पे बताया गया है कि 13 जून से न्यू पोकेमोन आने वाला है अपना सेरुलेज। तो इस चीज़ के बारे में तो मैंने आप लोग को पिछले अपडेट्स में भी बता रखा है कि सेरुलेज 13 जून को आने वाला है। और गाइज, इसके लिए स्पेशली आप लोग कॉइन्स इकट्ठे करने शुरू कर दो, क्योंकि मुझे लगता है एटलीस्ट ये भी 1500 कॉइन्स का रहेगा, और भाई काफ़ी तगड़ा ऑलराउंडर है, तो इसके लिए 1500 कॉइन्स बनते भी हैं। और उसी के साथ इसका यहाँ पे ट्रेलर भी दिखा दिया गया है, अगर आप लोग को देखना है मैं अपने बैकग्राउंड में चला दूंगा, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना सीजन 24 का बैटल पास, जो कि 6 जून को हमारे इन गेम में आने वाला है, और इसमें हम लोग को बहुत तगड़ा अपना ब्लेजी के इनका चैंपियन स्टाइल होलोवेयर मिलने वाला है, और उसी के साथ सरीना का चैंपियन स्टाइल होलोवेयर है, और ये भी हमारे गेम में 6 जून को आने वाला है। तो जिसको भी परचेज करना है उस टाइम जाके परचेज कर सकता है। और इसका ऑफिशियल ट्रेलर अगर आप लोग को देखना है तो मैंने अपने चैनल पर उसको भी डाल रखा है, आप लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट रैंक सीजन के अपडेट की। तो नेक्स्ट रैंक सीजन सीजन 20 में हम लोग को ये वाले दो कैरेक्टर आउटफिट मिलने वाले हैं, और इस बार के दोनों कैरेक्टर आउटफिट्स ब्लू कलर में है, और पूरा ये सीजन 20 ब्लू कलर्स के शेड्स में रहने वाला है। और लास्ट यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट है क्रेमोरेंट के रिलेटेड, कि हिप हॉप स्टाइल क्रेमोरेंट हमारे मेंबरशिप अपडेट में आ चुका है, और इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट, जो कि रैंक गेम में ड्राफ्ट मोड से रिलेटेड कुछ चेंजेस आई हैं, और उसी के साथ इन गेम में EX लाइसेंस से रिलेटेड क्या चेंजेस आई है उसके बारे में। तो इस बार के पैच नोट में रैंक सीजन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। जैसे पहले तक सीजन 19 तक हम लोग को ड्राफ्ट मोड के लिए मास्टर रैंक में हमारा रैंक 1200 पॉइंट से अबव चाहिए था, तो अब इस चीज़ को अभी इंक्रीज कर दिया गया है। तो सीजन 20 में हम लोग को ड्राफ्ट मोड खेलने के लिए मास्टर रैंक में 1400 पॉइंट से अबव होना होगा। तो सब लोग को अब और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी मास्टर रैंक 1400 पॉइंट तक पहुँचने के लिए। और इसी के साथ EX लाइसेंस से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स हैं। तो EX लाइसेंस मास्टर रैंक में आने वाला है अब से। तो जैसे मास्टर रैंक में पहले EX लाइसेंस वाले पोकेमोन यूज़ नहीं कर सकते थे, तो अब सीजन 20 में दोनों साइड सिर्फ एक एक EX लाइसेंस वाला पोकेमोन रह सकता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है अगर आप लोग मास्टर रैंक पे हो तो, क्योंकि यार एक EX लाइसेंस या एक लेजेंडरी पोकेमोन आप लोगों को भी चाहिए गेम जीतने के लिए। वैसे तो अभी के टाइम में उनकी जगह बहुत सारे पोकेमोन बहुत अच्छे चल रहे हैं, जैसे कि अपना टीटार हो गया, अपना अटैकर्स में भी ड्रैगापुल्ट हो गया, तो बहुत सारे अच्छे पोकेमोन के बफ मिले हैं इस बार, पर तब भी लेजेंडरी पोकेमोन थोड़े अच्छे होते हैं। तो जैशियन या म्यूटू जिसको भी यूज़ करना है तो इस बार कर सकता है अपने मास्टर रैंक में। और गाइज, यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ लिखी हुई है, वी होप यू विल कंटिन्यू टू सपोर्ट पोकेमोन यूनाइट। यानी गाइज, बहुत सारे लोग पोकेमोन यूनाइट छोड़ रहे थे, इसीलिए इस टाइप का एक अपडेट इन लोगों को लाना पड़ा, जिसमें इन लोगों ने EX लाइसेंस वाले पोकेमोन वापस से मास्टर रैंक तक कर दिए, प्लस मास्टर रैंक का ड्राफ्ट मोड भी इंक्रीज कर दिया। और ये सारे अपडेट्स जो ये लोग लेके आए, ये सब ये सडन खुद से लेके नहीं आए हैं। आप लोग को याद होगा कि एक क्वेश्चनरी सेशन निकला था हम लोग के गेम में, जिसमें हम लोग को क्वेश्चंस के आंसर्स देने थे कि आपको गेम में क्या क्या चीज़ें पसंद आ रही है, क्या क्या चीज़ें नहीं पसंद आ रही, तो उसी के रिलेटेड इन लोगों ने ये अपडेट लाया है। तो उसमें से ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को किया था कि मास्टर रैंक में ड्राफ्ट मोड नहीं होना चाहिए इस चीज़ के रिलेटेड। जैसे मैंने भी शायद से इस टाइप के किसी क्वेश्चन में येस किया था, तो इसलिए इन लोगों ने मास्टर रैंक में इसको ऐड किया। और ये EX लाइसेंस से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन मुझे भी नहीं याद है, तो आप लोग को याद होगा तो बताना कमेंट्स में। और बस गाइज, ये तक थी आज की वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आप लोग को मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।